S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े करार को अंतिम रूप देने की तैयारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिनों की भारत यात्रा पर आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली। 19वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। आयुष्मान भारत योजना का पहले 10 दिनों में 23,000 लोगों ने उठाया फायदा। निजी और सरकारी अस्पतालों के 38 करोड़ रुपए के बीमा दावों को मंजूरी। 32,000 से ज्यादा अस्पतालों ने स्कीम से जुड़ने की दी अर्जी। पहली बार गैर कानूनी तरीके से रह रहे 7 रोहिंग्याओं को आज भेजा जाएगा म्यांमार। हिरासत में लिए जाने के बाद 2012 से असम के सिलचर की जेल में थे कैद। म्यांमार के राजनयिकों ने की पहचान की पुष्टि। अमेरिकी मदद के बिना 2 हफ्ते भी सत्ता में नहीं रह सकते सऊदी शाह। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पश्चिमी एशिया में अपने सबसे करीबी सहयोगी को सख्त संदेश। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सऊदी अरब पर बढ़ाया और दबाव। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से राजकोट में। अब से कुछ देर बाद दोनों टीमों होंगी आमने सामने। अंडर 19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत।